हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के दिन की शुरुआत वही खाने के साथ नाश्ता बनाओ, चाय तो यहाँ चल रही है। मम्मी के लिए बन रही है गोभी और अपने लिए आलू के पराठे। नहीं, आलू के पराठे खाने आपको? क्यों, क्या खाने? तो आलू के पराठे खाने बताओ, मम्मी के लिए नहीं तो ये बना रही हूँ। मम्मी के तो घिया खा लेते आलू के पराठे। मैं बना दूँ चलेगा? नहीं, रहने दो, गोभी के साथ ही खा लेंगे कल रात। ये तो इसके आलू को बना दूंगी। क्या बना दे? फ्राई करके, तड़के वाला आलू खाली फ्राई करके बना दूंगी। तेल भी करते थे इसमें, से जीरे डाल के दो लड्डू भी करते थे राई में। फिर तो आज है भैया दूज और आप सभी लोगों को हमारी और हमारे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी पिठिया विठिया हो चुका है, चूड़े वूड़े रख चुके हैं। पहाड़ों में चूड़े रखने का रिवाज है भैया दूज के दिन। पहाड़ों में जैसे पड़ोस के लोग होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं एक आंगन में, वहाँ पे खो होता है, उसी में छूटा एक उठेगा, एक भुनेगा, एक जलाएगा, मतलब सब मिल के करते हैं। फिर वो चूड़े बांट देते हैं। अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है सब अलग अलग। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो काफ़ी काम होता था, अब तो सब अलग अलग ही रहता है मोस्टली। हाँ, बड़ी फैमिली हो ना अच्छा लगता है, बड़ी फैमिली हो तो बढ़िया लगता है। हाँ, त्यौहार त्यौहार जैसे भी लगते हैं। लो भाई, फिर से एक और सामान की एंट्री होते हुए। कोरियर बॉय हमारा, वाले भैया कहाँ से लाए हो भैया अभी से? अनबॉक्सिंग के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट सही है, सही सलामत पहुँचा है कि नहीं। ईकॉम एक्सप्रेस। केक थोड़ा काट रहा, अनबॉक्सिंग कर रहा। टूटिया देती हूँ कभी कोई बर्थडे यूज कर देना। ये है इसके खाचे, अभी से बब्बू जो है, अब वो जो खाचे आए हैं वो सही सलामत है। ये भी देखो, टूटे फूटे तो नहीं है ना, क्रैक वैक कुछ क्रैक नहीं है ना। ये देखो, हल्के बहुत लचकन मचकन। इस पजल को सॉल्व करो अब आप। हॉल किस
हाँ टूटी वूटी चेक करना, साथ ही साथ चेक भी हो जाएगा। अच्छा डस्ट लगी हुई ना, नहीं नहीं वैसे मैंने कहा स्क्रैच तो नहीं है कहीं, स्क्रैच नहीं है। और बाकी टैग में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना 2 दिन में आके मिल जाता है। 2 दिन में एक्सचेंज, अच्छा चेंज कराना पड़ेगा ना यार। हाँ इस तरीके को उठा के इसका फॉर्म को लगा दो, निकालना फॉर्म, फॉर्म तो हटाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना। कैसी लग रही है ये बताओ? अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर चल रही है पति देव की सेवा, ये तो ड्रामे कैसे कर लेती तू, थिएटर ज्वाइन कर लो तू, इनमें ड्रामे दिखाने के लिए करवा दो, तुम कर लो जाओ। एक मामू डुल्ली रहा था दिन भर, एक तुम डोलते रहते तो क्या दोनों देवर भाभी करेंगे, मैं मामू को फिर से बुला लूंगी। सरकारी जॉब छोड़ के आता है तो दोनों देवर भाभी साथ ही जाएंगे, तो हमें एक्टर है वो भी देख लेते, चक्कर गिन्नी के पास कैसे नाच रहे थे। जी तो सारे दिनचर्या के बाद मैं भी आपसे हो रही हूँ रूबरू, और इस तरह बैठे हैं मिस्टर वर्मा जी जो अपने शाम के डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम पे बैठ चुके हैं। ऐसा बोलती ना डेली के काम के अकॉर्डिंग मैं आपसे हो रही हूँ रूबरू, यहाँ बैठे हैं मेरे मिस्टर गबरू। इट्स अ गबरू। ओके सब्जी की, शाम की सब्जी की हो रही है तैयारी, मम्मी चाय के साथ सोचते हुए डेली की लाइफ का कैसी बोरिंग लाइफ है। मिस्टर वर्मा जी गुनगुनाते हुए कुछ कैसे तुझसे, अरे प्यार से गा रहे थे तो मुझे लगा थोड़ा पास आ जाऊं मैं, मुझे लगा थोड़ा पास चले जाऊं तो क्या पता और अच्छे से गाए करके गाना बटी। हाँ जी तो मैं तो अब बता चुकी मैं क्या करने जा रही हूँ, सब्जी वब्जी की तैयारी हो चुकी है, तो अभी लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। टाइम कितना हुआ है? 68। आज ही बता दोगे 68 कौन सा टाइम होता है, कौन सी घड़ी है आपके पास? फिलहाल टाइम हुआ है 6:48 और उसके बाद करेंगे थोड़ा ब्रेक, अभी टाइम हुआ है 6:48। आप ब्रेक ले रहे हो? तो मैं अपनी बात कह रही हूँ कि अभी लेते हैं थोड़ा ब्रेक, फिर उसके बाद 7:30 से स्टार्ट करते हैं खाना बनाकर रोटी। तो मीनाक्षी कनवाल अपने एक्सपीरियंस बताएगी आज का कैसा रहा। तो आज के ब्लॉग को यही करते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा आज का, जो हमेशा हर एक लेडी का होता घर में वो वैसा ही रहता है। हर एक लेडी का नहीं, हाउसवाइफ का, हर एक लेडी हाउसवाइफ जो भी है हर एक लेडी वैसे करती करती है। आज के ब्लॉग को हम कर ले जाते हैं यहीं पे एंड, और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगे सो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए, हमारे चैनल जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।